अस्सलामुअलैकुम, दिलशाद कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं हल्का मसूर की पूरी स्ट्रेट दाल। स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मलका मसूर की फूड स्ट्रेट दाल। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, ठीक है, और इसमें मैं एक जो है बिरयानी साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी एक तेज पत्ता। दालचीनी के कितने हैं मेरे पास, 2 अदर। एक बड़ी इलायची है और लौंग है 5 से 6। वो फ्राई करेंगे। देखिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी 10 लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। फ्राई करेंगे। इसके साथ जो है मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसको जो है थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। देखिए यहाँ टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 हरी मिर्चें, 4 जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मिक्स करें इसको। इसके साथ हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसके साथ इसकी लाल मिर्च है, मैं स्पाइस के हिसाब से जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ जो है इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अब इसको जो है भूनेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है। मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, मलका मसूर की दाल, ठीक है, 200 ग्राम। अब इसको भी हम भूनेंगे डाल के। देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से भूनना है, ठीक है, इसका जो कच्चा पन है मसाले का ख़त्म हो जाए। जब भून जाए अच्छी तरीके से तो आप इसमें पानी ऐड करेंगे 2 ग्लास। अब जो है इसको मैं गलने के लिए रखूँगी। अच्छा देखिए हमारी जो दाल है वो गल गई है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हसबे ज़ायका। इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको घोट लूँगी। देखिए दाल मैंने घोट ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इसको 1 से 2 मिनट हम कुक करेंगे। अच्छा अब देखिए हम बघार लगाएंगे। यहाँ पे मैं घी से बघार लगा रही हूँ, ठीक है। 5 से 6 खाने के चम्मच आप जो है इसकी घी के ले लें और इसमें आप प्याज ऐड करें 1 छोटी साइज़ की। पहले इसको फ्राई करेंगे। इसमें 1 लहसुन का जवा ले लीजिए, साथ में ये भी ऐड करेंगे, फिर फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास ग्रीन मिर्चें जो आप रख सकते हैं, तो ये रेड भी हो सकती हैं, बाकी आप बाज़ार में मिलती हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, और ये मैं अगर पहले डालती तो ये जल्दी कुक हो जाता, और प्याज थोड़ी हार्ड होती है, लहसुन थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, मलका मसूर की पूरी स्ट्रेट दाल रेडी है। इसको आप चाहें तो चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ये बॉयल राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। इसके साथ आप जो है अचार या फिर सलाद भी सर्व कर सकते हैं। गर्मियों के लिए भी ये ख़ास रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आई तो कमेंट सेशन में अपनी राय का सहारा ज़रूर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।